गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टी किस पंच परमेश्वर। ये कहानी है, तो मैं इसे आपको कहानी के रूप में सुनाऊंगी तो शायद ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। ये कहानी है दो मित्रों की। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और इन्होंने गांव के जीवन के बारे में बताया है। अब इस कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के मित्र हैं। जुम्मन शेख की एक वृद्ध खाला में सोता है मौसी। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे कर मौसी को उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। दोनों दोस्त हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और मुस्लिम मित्र ने अपनी मौसी को बड़े बड़े वादे किए कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, ऐसे करके उनकी जो जमीन थी वो अपने नाम करवाई। बाद में वह तथा उसकी पत्नी खाला का अपमान करने लगे, उसे परेशान करने लगे, उसको भोजन मिलना भी कठिन हो गया। खाला ने अपने जीवन निर्वाह के लिए रुपए मांगे तो जुम्मन शेख ने साफ इनकार कर दिया। इस पर खाला ने पंचायत बुलाई, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि मेरा फैसला करो क्योंकि अब मुझे परेशानी आ रही है। पंचायत में अलगू चौधरी को सरपंच चुना गया। अब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों पक्के मित्र थे, इसलिए सरपंच किसको चुना गया? अलगू चौधरी। उसने जुम्मन बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों मित्र थे तो उनको पूरा भरोसा कि जो भी फैसला होगा वो मेरे ही हक में होगा, क्योंकि उसे आशा थी कि अलगू चौधरी उसके पक्ष में ही निर्णय लेगा। लेकिन अलगू चौधरी ने पंच के रूप में न्याय करते हुए जुम्मन शेख के विरुद्ध निर्णय लिया। उसने बोला कि भैया तुमने उनकी जमीन पूरी ले ली है तो अब तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, और अगर तुम उनका ख्याल नहीं रखते हो तो आपको उसकी उनकी जमीन रखने का कोई हक नहीं है, आप उनकी जमीन उनको वापस लौटा दो। इसके कारण क्या हुआ कि दोनों मित्रों में लड़ाई हो गई, दुश्मनी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने उनके उनके हक में फैसला नहीं सुनाया। जुम्मन शेख अलगू चौधरी से बदला लेने के अवसर ढूंढने लगा कि कोई ऐसा मौका मिले कि जब मैं जुम्मन शेख से बदला ले सकूं। अलगू चौधरी बटेश्वर मेले के बैलों की एक जोड़ी लाया। अब अलगू चौधरी के जीवन में भी एक काम आया कि वो बैलों की एक जोड़ी लेके आया। पंचायत ने एक महीने बाद ही इन जोड़ी का एक बैल मर गया, और बैल लेके आया और किसी कारण से एक बैल मर गया। अलगू चौधरी ने दूसरे बैल संजू साहू को बेच दिया। दो बैल लेके आया था, एक बैल बीमार हो गया और मर गया, एक बैल का कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने संजू साहू नाम के एक व्यक्ति को अपना बैल बेच दिया। उसने एक महीने में बैल का मूल्य चुकाने का वादा किया था। बैल लिया है तो पैसे तो देना पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक महीने में इसके पैसे दे दूंगा। अच्छी तरह से देखभाल न करने और ठीक से दाना पानी न देने के कारण और काम ज्यादा लेने के कारण वो वाला बैल भी मर गया, और उसका पैसा दिया ही नहीं था उन्होंने अलगू चौधरी को। इस पर समझू साहू ने बैल का मूल्य चुकाने से इनकार कर दिया और बोल दिया कि वो बैल तो मर गया है इसलिए अब मैं पैसे नहीं दूंगा। झगड़ा होने पर अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई। अब उनने पंचायत बुलाई, पहले समझू साहू ने बुलाई थी, सॉरी पहले जुम्मन शेख ने बुलाई थी, अब अलगू चौधरी ने बुलाई। समझू साहू ने अपनी तरफ से जुम्मन शेख को पंच चुना, और उसने भी अपने फ्रेंड को ही पंच चुना, दोस्त को ही, कि ये मेरे हक में फैसला लेगा। इससे जुम्मन शेख बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनके मन में चोर था, उनको लगा था कि अब मैं इससे अच्छे से बदला ले सकता हूँ, क्योंकि उसे अब अलगू चौधरी से बदला लेने का अच्छा अवसर मिल गया था। पंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन शेख को अपने पद के उत्तरदायित्व का बोध हुआ कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं फैसला करने बैठा हूँ, ना कि अपने दोस्त से बदला लेने बैठा हूँ। मेरा काम क्या है? पंच का काम होता है निष्पक्ष फैसला करना, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के फैसला करना। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर न्याय करते हुए अलगू चौधरी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। बाद में उसका सोचने का तरीका चेंज हो गया और उसने अपने दोस्त के हक में ही फैसला दिया, क्योंकि दोस्त उस जगह सही था। जो अलगू चौधरी ने भी सही किया था, क्योंकि उस समय खाला सही थी और अभी अलगू चौधरी सही था, तो जुम्मन शेख ने उसी के हक में अपना फैसला सुनाया। इस निर्णय को सुनकर सब गांव वाले पंच परमेश्वर की जय बोलने लगे।
क्योंकि पांच लोग होते हैं पंचायत में और वो लोग मिलजुल कर अपना निर्णय सुनाते हैं। जुम्मन और अलगू गले मिलकर रोने लगे। उन दोनों में फिर से मित्रता हो गई और इस प्रकार न्याय और मित्रता का आदर्श कहानी के रूप में आपके सामने आए। अलगू भी खुशी से रोने लगे। इस पानी में दोनों के दिलों के मेल धुल गए। दोनों उस दिन से दोस्त हो गए। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। थैंक यू।